रुक रात के भी भाई 18 घंटे में ठीक है हम लोग कर ही देंगे मोस्ट प्रॉब्ली। हमारा मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी टैंक भरते हुए 7th टैंक है ये, और अभी भी मैं ही चला रहा हूँ, नॉन स्टॉप चलाया है। तो गाइस 4 बज चुके हैं अब और हम निकलने वाले हैं, अभी वेट कर रहा हूँ पीछे गाड़ियों का, वहाँ पे खड़ी है क्योंकि वहाँ रेड लाइट है इसलिए आ रही है, उन्हीं के साथ निकलेंगे। अब देखते हैं भाई कितने टाइम तक निकलते हैं, 4 बजे मतलब कह रहे हैं 16 घंटे का, तो खींच के रुक रहा के भी भाई 18 घंटे में क्लियर हम लोग कर ही देंगे मोस्ट प्रॉब्ली। अब देखो आज मैं हूँ, मतलब मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही चलाऊंगा, रात को शायद दे दूँ अगर हल्की थकान हो जाए, नहीं तो अभी तक है कि मैं ही चला रहा हूँ और मेरे साथ देख सकते हो कोई भी नहीं है। और ये अभी हम सेट नहीं कर रहे हैं, कल हमने इसमें फ्यूल अप करवाया था फुल टैंक, 150 किलोमीटर चली है उसके बाद। ट्रिप ए आपको बता देता हूँ, ट्रिप ए ऊपर होगा शायद, ये रहा ट्रिप ए, ट्रिप ए 1152 प्लस 350 कर लो, अभी तक उतनी गाड़ी चल चुकी है, 4 टैंक ले चुकी है। और अभी मैं वेट देखो यार, मतलब एवरेज तो यार एवरेज क्या, हमने बहुत बुरी एवरेज दी है इसने, बहुत बहुत ज़्यादा ही बुरी, लेकिन ठीक है भाई यार, लेकिन जो रिएक्शन मिला है ना भाई वर्थ इट है, कसम से वर्थ इट है। पब्लिक मतलब बीच में कमेंट करते हुए जा रही या इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं मेरे पे, बहुत कुछ हुआ है और ये बहुत बढ़िया ट्रिप लगा है। और मैंने कहा था ना कि मैं एक दिन बाद निकल जाऊंगा, लेकिन मेरा पहलगाम नहीं हो पाया, पापा ने बोला नहीं अकेले तो जाएगा नहीं, सबके साथ जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है यार पापा उनकी बात मैं कैसे ही बोलूंगा, तो इसीलिए श्रीनगर एक्सप्लोर के लिए बस पहलगाम रह रहा था, सोनमर्ग में इतना कुछ था नहीं क्योंकि गुलमर्ग हमने कर लिया था पूरा कम्प्लीट, तो ये सभी था। अभी कब तक आएंगे देखो। सो गाइस अभी यहाँ रुके हुए, हाँ भाई 36 भरी हुई है क्या इसमें, 36 कर दो सब में, फिर 36 था इसके अंदर, अच्छा तो सब में वही कर दो 36 इक्वल रहना चाहिए, ठीक है भाई सब में। तो अभी हवा भरवा रहे वो लोग, तो भाई अपना डीजल फुल करा रहे हैं, कल हमने करवा दिया था अपना पेट्रोल का टैंक फुल, अभी आधी से ऊपर है, चल जाएगा अभी आगे जाके देखेंगे, अभी तो सीधा खींचना है इसके बाद पहुँचना है भाई। इस बार तो यार अकेले चला रहा हूँ, तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है अकेले चलाने का, अभी तो साथ में संजू था, अभी वो दूसरी गाड़ी में, तो कोई नहीं अभी यहाँ भरवाते नहीं। टाइम हो रहा है 8:18 और ये रहा हमारा स्टॉप, पहला स्टॉप जहाँ खाना खाने वाले हैं। ये सारे लोग तो भाई मतलब यहाँ रुक गए थे, मेरे को बाद में चला कि मैं अकेले चला रहा हूँ, ध्यान नहीं रहा मतलब स्पीड भी थोड़ी गाड़ी की, और ये गाड़ी की हालत देख सकते हो आप, ये रही तीनों गाड़ी, ये देखो, और ये कौन से ढाबे में ये नहीं पता मेरे को, ये रहे ये वाले ढाबे में शर्मा वैष्णो ढाबा, अब यहाँ खाना खाएंगे। तो भाई हाँ। आपके राजमा चावल और ये हाँ। दाल और रोटी खा रहे हैं, मतलब उसी से पेट भरता है, अभी इसको खा के सीधा निकलेंगे आधे घंटे में, मतलब जितनी भी देर लगती है। और सुमित भैया खाना कैसा है? भैया दाल की चटनी आगे फेमस है। क्या कौन सी? ठीक है, अच्छा चटनी फेमस है आगे। अच्छा तो भाई फाइनली खाना खा लिया है, और अभी ये सारे अपने लाइट्स वाइट साफ करते हुए, क्योंकि भाई थोड़ी गंदी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है, तो पूरी मतलब दिखनी चाहिए ना लाइट सेफ्टी रीजंस के लिए, देखो कितनी मिट्टी मिट्टी हो गई है, सारे लोग अपने साफ कर रहे हैं, सुमित भाई वहाँ साहिल भी है, पर आगे से भी लाइट साफ कर देते हैं पूरी, ये देखो, और प्रोजेक्टर्स भी इसके साफ कर दिए, और ये देखो। तो भाई खाना था बहुत बढ़िया, ये है आपका वैष्णो, शर्मा वैष्णो ढाबा, और सारे भाई निकलते हुए मैं ही निकल रहा हूँ, अभी मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टॉप पे। भाई अभी सीन में तो क्या हो रहा है कि भाई इसी को रोकूं और इसी से भाई इसमें तेल डलवाऊं, भाई ब्लिंक कर गई, मतलब एवरेज में सिटी में, क्योंकि हम सिटी सिटी से आ रहे हैं ना,
हमने सिटी से मतलब स्टार्ट किया था श्रीनगर से, तो 350 की इतनी देती है गुड़गांव में भी, कोई इसकी इतनी इतना दिक्कत नहीं हुआ। इसके बाद अब वापस हमारा अभी फ्यूल अप होगा क्योंकि भाई बहुत बुरी हालत हो गई है। अभी 5 मिनट दिखा रहा है पेट्रोल पंप यहाँ से, क्योंकि बहुत टाइम से भाई ब्लिंक कर रही है, और ब्लिंक मतलब कि भाई एंड है, भरवा लो आप, ये आपको वार्न कर रही है। 5 लीटर रिजर्व होता है मैक्स उसका, वो भी खत्म ही हो गया होगा मेरे हिसाब से, और अभी हम तेल भरवाने के लिए रुकने वाले हैं। जीरो हो गया, यहाँ कितना है पेट्रोल, कितना है 98.74 सस्ता है यहाँ पे ऊपर से। हाँ तो भाई 6th टैंक अपना भर रहा है अभी, 6ठा टैंक है हमारा। अब देखते हैं कितना किलोमीटर भाई अब साथ देता है, और यहाँ थोड़ा सस्ता है, और वो लोग भाई आ रहे होंगे साथ में, पीछे देख रुके सर, यहाँ से भाई रेडबुल और थोड़ा लेके जाएंगे, क्योंकि 10 बज गए, 10:30 बज गए, कम से कम 6-7 घंटे हो गए मेरे को ड्राइव करते हुए, 4 में निकले, 5-6-7 6 घंटे भाई ड्राइव किया हूँ। मैं सोच रहा हूँ आज पूरा चलाऊँ, अगर नींद भाई अभी तो नींद नहीं आ रही मेरे को, टू वेरी ऑनेस्ट, अगर आई तो भाई सेफ्टी देना पड़ेगा, अभी तो नींद फिलहाल नहीं आ रही मेरे को। फाइनली 200 किलोमीटर पूरी भाई, मतलब अभी इसको थोड़ा लेट सेट किया है, जैसे पेट्रोल भरवा के अभी यहाँ रुके एक सबवे पे, अभी यहाँ देखते कॉफ़ी या कुछ पियेंगे, क्योंकि अब बताऊँ क्या सीन है, अभी मैं ना अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब मैं सोलो ही लगा लो, वो लोग बहुत पीछे मतलब 50-1 किलोमीटर पीछे हैं, और मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ, बस खुला रहे कुछ एक बार देख लूँ मैं। मेन चीज ये है मैं जल्दी क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को करना है आपका ये चंडीगढ़ को क्रॉस रात से पहले, और वो भाई कुछ भी करके मेरे को करना ही है, क्योंकि नहीं किया ना तो सुबह कुछ भी हो सकता है, मतलब ये गाड़ी के उससे कर रहा हूँ मैं, कि रैप वैप लगाया है इसलिए, उसके चक्कर में अभी थोड़ी नींद भी आ रही है मेरे को, लेकिन यहाँ पे कहाँ है CCD, और ये देखो ये दिखा रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये मैकडॉनल्ड ये सब दिखा रहा है, कहाँ पे है, आगे है शायद, ये सब बंद तो नहीं है यार, शिट बंद नहीं होना चाहिए यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी, सब बंद है यार, ये तो पूछता हूँ इनसे क्या सीन है। सो गाइस पहली बार लाइफ में मतलब प्रॉपरली क्रूज कंट्रोल देख सकते हो यूज़ होते हुए मेरे पैर यहाँ पे, और भाई आराम से चल रही है, मैंने सोचा यार कि क्यों फालतू में एक्सेलरेट करके रखूँ इसको, जब खाली रोड है आराम से मतलब देखता हूँ कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब फ़ायदा तो है अगर जैसे खाली रोड है आपकी तो क्रूज़ पर डाल दो, कोई आपको स्टेयरिंग को पकड़ के रखना है और कोई वो नहीं है, देखो दूर दूर तक रोड खाली है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले करते थे ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन ठीक है भाई दे रहा है दुरुस्त है। अभी 6 घंटे और हैं भाई दिल्ली के लिए, और सीधा डायरेक्ट खींच रहे हैं हम लोग, बीच में अभी हमने ब्रेक ले लिए, सारे मिल गए थे आगे पीछे हो गए थे, तो अभी चलते हैं और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, वैसे देखा जाए तो 10 से पहले पहुँच जाएगी सुबह सुबह, लेकिन अभी फिर भी देखते हैं कि कहीं और रुकते हैं नहीं रुकते वो बताऊँगा आपको। सो गाइस 4:40 हो चुके हैं, और ये हमारा मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी टैंक भरते हुए 7th टैंक है ये, और अभी भी मैं ही चला रहा हूँ, नॉन स्टॉप चलाया है, और लगा लो 300 किलोमीटर और कुछ घर रह रहा है मोहाली में अभी हम लोग, उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है, यहाँ 1 रुपये कम है, मतलब 1-1, 2-3 रुपये ऐसे कम होते जा रहा है, अब फिर सीधा भाई दिल्ली, फिर अब सीधा खींचेंगे इसके बाद दिल्ली खींचेंगे। अभी तक तो भाई नींद नहीं आई मेरे को, पता नहीं मतलब सरप्राइजिंगली मेरे लिए भी भाई फर्स्ट टाइम है जो मैं पूरे इतना लॉन्ग भाई पूरा खींच के ना किसी को नहीं दी भाई मैंने, रात पे पूरी खींचते श्रीनगर से लेकर अभी तक नॉन स्टॉप चलाई, ये 2 स्टॉप नहीं होंगे या 3 स्टॉप, वो भी उसमें से 1 तेल का होगा और 2 खाने के होंगे। सो भाई टाइम हो रहा है 6:40, और बस 100 किलोमीटर दूर है दिल्ली से अभी, पानीपत है अभी, और यकीन नहीं हो रहा है नॉन स्टॉप चला है भाई, मतलब कसम से यकीन नहीं हो रहा, और यहाँ देखते हैं कुछ चाय वाय पीते हैं मिलती है तो यहाँ, और बहुत बढ़िया लग रहा है देखो, आई लव पानीपत के एकदम सामने हवेली पानीपत वाली,
और भी देखते क्या ले सकते हैं, चाय लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो देखो और हो चुके हैं और हम फाइनली एडिटर साहब के घर आ चुके हैं। वैसे तो मैं बहुत पहले आया था, लेकिन वो साहिल है उसके साथ मेरे को मतलब जो था नहीं डुल करके रोहित, तो उसको छोड़ने हमें सोनीपत जाना पड़ा, नहीं तो मैं बहुत जल्दी पहुंच जाता। और भाई जो जैसे मैंने कहा था आप लोगों की भाई पूरी गाड़ी मैंने चलाई 15 घंटे के अंदर, 15 आवर्स के अंदर सीधा हम गुड़गांव थे। 4 बजे निकले थे, मतलब 4 बजे निकले और 8 बजे पहुंचे, कितने 15 घंटे हो गए ना, कितने हुए बता, कैलकुलेट कर जल्दी यार, फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, 15.5 घंटे थोड़ी हुए, बताओ एड्रेस साहब। भाई 15 घंटे लिटरली। और मेरे को ना अभी 2-3 बार तो भाई ऐसा हो चुका हूँ कि जैसे मैं इसके घर आ रहा था भाई, मैं उसमें लगा दिया किसमें तेरा क्रूज, क्या बोलते उसे, क्रूज नहीं पूरा क्या कहते, भूल गया यार दिमाग, क्रूज कंट्रोल में लगा के भाई सो गया मैं। मतलब गाड़ी ना ऐसी थी, वो सदन फेरपिल रोड बोलते हैं ना उसे, हाँ वही। तो भाई ऐसे जा रही मैंने कहा यार नहीं। और भाई बताओ क्या हुआ, जो आपका रेड लाइट था ना वहाँ पे भी गई हुआ, मैंने कहा यार न्यूट्रल भी डालो गाड़ी, उसके आया कहा नहीं मैकडी की भी क्रेविंग होती है, वो एडिटर साहब से मिल भी लेते हैं, बहुत टाइम हो गए तो आएंगे नहीं अपना तेल फूक के, तो हम ही आ जाते हैं, हम वैसे ही कम फूका नहीं हमने। और भाई एक और चीज बताता हूँ, 7 टंकी भाई, 7 टंकी लगी है, 7 टंकी मतलब ला लो 35,000 का तेल लग चुका है मेरा यार, मतलब जितने की लोग ट्रिप कर ले रहे हैं। हाँ इसका मैं अलग से आपको व्लॉग बना के दूंगा कि भाई मेरा कितना खर्चा है और क्या क्या आया, और इसी के साथ भाई व्लॉग एंड करता हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ये शायद आपको एक दो या तीन दिन ऊपर नीचे मिल सकता है व्लॉग, क्योंकि पिछले 4 व्लॉग पेंडिंग है, टाइम बिल्कुल नहीं मिला था वहां पे बनाने का। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, आपको खर्चा बताएंगे और दूसरी चीज बताएंगे कि इसका सर्विस में क्या क्या है, क्योंकि इस बार मेजर सर्विस होगी इसकी क्योंकि ये चल चुकी है भाई 18,009 मतलब 19,000 चल चुकी है, और इसकी सर्विस का टाइम डॉट आ चुका है कि 9,000 या 8,000 रुपये सर्विस कराई थी और प्रॉपर ट्रिप के बाद आ चुकी है, इसको कल देंगे मोस्टली क्योंकि आज तो मैं जाऊँगा सोने।